किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूंग की खेती के बारे में। मूंग की खेती करने से मिट्टी की ताकत में इजाफा होता है। मूंग को खरीफ, रबी व जायद तीनों मौसमों में आसानी से उगाया जा सकता है। उत्तरी भारत में इसे बारिश व गर्मी के मौसम में उगाते हैं। इस फसल के लिए ज्यादा बारिश नुकसानदायक होती है। मूंग की खेती के लिए वो क्षेत्र बेहतर माने जाते हैं जहां पर 60 से 75 सेंटीमीटर तक सालाना बारिश होती है। किसान मित्रों, मूंग की फसल के लिए गर्म जलवायु की जरूरत पड़ती है। पौधों पर फलियां लगते समय और फलियों को पकते समय सूखा मौसम व ऊंचा तापमान बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। किसान मित्रों, मूंग की अच्छी खेती के लिए बेहतर जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। जहां तक बात है उत्तर भारत की, तो अच्छी जल निकास वाली दोमट मटियार मिट्टी मूंग की खेती के लिए बेहतर मानी जाती है। किसान मित्रों, अब बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। बारिश शुरू होने के बाद खेत में एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर या देसी हल से जुताई करें और पाटा चलाकर खेत को बराबर कर लें। खेत से खरपतवार व पुरानी फसल के ठूंठों को बाहर निकाल दें। इसके अलावा आखिरी जुताई के समय खेत में गोबर या कंपोस्ट खाद 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में जरूर मिलाएं। किसान मित्रों, अब बात करते हैं मूंग की कुछ बेहतर किस्मों की। आप रबी मौसम के लिए टाइप 1, पंत मूंग 3, HUM 16, सुनैना और जवाहर मूंग 70 का उपयोग कर सकते हैं। वहीं खरीफ मौसम के लिए पूसा विशाल, मालवीय ज्योति, ML 5, जवाहर मूंग 45, अमृत PDM 11 और टाइप 51 मूंग का प्रयोग कर सकते हैं। किसान मित्रों, मूंग की कुछ ऐसी भी किस्में हैं जिन्हें रबी व खरीफ दोनों मौसमों में बोया जा सकता है। ये है टाइप 44, PS 16, पंत मूंग 1, पूसा विशाल, K 851 और शालीमार मूंग 2। किसान मित्रों, जहां तक बात है बीज की मात्रा की, तो खरीफ मौसम में खेत में 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और बुआई कतारों में 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। रबी व गर्मी के मौसम में मूंग के लिए बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई कतारों में 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। किसान मित्रों, मूंग एक दाल वाली फसल है, इसलिए इसमें ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय देना फायदेमंद होगा। इसके अलावा गंधक की कमी वाले रकबों में गंधक युक्त उर्वरक 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जरूर दें। जहां तक बात है सिंचाई व जल निकास की, तो खरीफ के मौसम में मूंग की फसल को सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फूल आने की दशा में सिंचाई करने से उपज में काफी इजाफा होता है। अधिक बारिश की दशा में खेत से पानी निकालना बेहद जरूरी होता है। पानी न निकालने से मूंग की फसल में पदगलन रोग हो जाता है, जिससे फसल को भारी नुकसान होता है। किसान मित्रों, गर्मी के मौसम में मूंग की फसल को खरीफ की तुलना में पानी की ज्यादा जरूरत होती है। गर्मी के मौसम में मूंग को 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 4 से 6 सिंचाई की जरूरत होती है। ज्यादा गर्मी होने पर सिंचाई का अंतर 8 से 10 दिनों का रखें। किसान मित्रों, कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं मूंग की बुआई के सही समय की। जायद मूंग की बुआई जहां सिंचाई की सुविधा हो वहां फरवरी में ही कर देनी चाहिए। खरीफ मौसम में मूंग की बुआई मानसून आने पर जून के दूसरे पखवाड़े से जुलाई के पहले पखवाड़े के बीच में करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार व पश्चिम बंगाल में मूंग की खेती गर्मी के मौसम में की जाती है। इन राज्यों में मूंग को गन्ना, गेहूं, आलू आदि की कटाई के बाद बोते हैं। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा, जो कि केंद्रित था मूंग की खेती पर। आप सुनते रहिए रेडियो पिटारा। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।